मॉर्निंग दोस्तों, काफ़ी ठंड है वातावरण में और ये मेरे साथ आरव है। ये है हमारे आरव राज, मेरा बेटू है और ये अभी क्लास वन में पढ़ रहा है और इसे इसकी एग्जामिनेशन जो है ये 15 फरवरी से होने वाली थी जो अभी एक्सटेंड हो गई है और उम्मीद है कि वो एग्जामिनेशन मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी क्योंकि स्कूल वगैरह अभी सारा बंद है, ऑनलाइन ही क्लास हो ही रहा था ऑनलाइन। चलिए, 2 साल तो बच्चे बहुत सफ़र किए हैं पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में, लेकिन क्या करेंगे, इस पर किसी का जोर नहीं है और आगे देखते हैं, आगे सारा चीज़ अच्छा ही रहेगा। सप्ताह में मैं एक तो ज़रूर ही अपना वीडियो डालूंगा जिसे आप देखेंगे, जो कुछ इन्फॉर्मेटिव रहेगी। उम्मीद है आप उसे देख के मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं आगे आपके लिए कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ों को ला सकूँ। दोस्तों, देखते हैं आगे। इधर मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था जो जिसमें मुझे मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी कम थी और फिर मैंने सेकंड वीडियो डाला जो लगभग 11 मिनट की थी, क्योंकि वो वीडियो मैं बहुत उसमें कट किया, वो लगभग यदि मैं उसे पूरा वीडियो डालता तो वो लगभग आपको 40 मिनट से ऊपर का रहता, लेकिन मुझे लगा अभी नया नया हूँ तो इतना ज़्यादा वास्ट टाइम तो संभव नहीं है कि, और मुझे कोई जानते भी नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत कोशिश करते करते उसे 11 मिनट के लमसम में लाया। और मेरी तो इच्छा नहीं थी क्योंकि वो मैंने जो कट किया वो मेरे दिल को बहुत चोट लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही उसमें इंक्लूड किया और बाकी सारे चीज़ों को मैंने वहाँ से हटा दिया। वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ। तो ये तो रही बात, तो मैं अभी अपने घर के पीछे गार्डन में हूँ जहाँ मैंने छोटी छोटी मिर्च की गाछें लगाया हूँ। इसमें काफ़ी सारे मिर्च हुए थे, साल भर मैंने मिर्च बाज़ार से नहीं खरीदा। किधर आ गए? और ये आरव और सक्षम है जो आज संडे है तो ये इंजॉय कर रहे हैं पीछे हमारे घर के पीछे गार्डन में। और चूंकि गार्डन को मैंने अभी पिछले 6 महीना से अभी ज़्यादा इसमें मैंने वर्क नहीं किया है, अस्त व्यस्त है। और हेलो आरव, बोलो आरव। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। अच्छा, तुम कोई एक पोयम हमको सुना सकते हो क्या? वो चिल्ड्रन वाला, वो चाचा नेहरू का। हाँ सुनाओ सुनाओ। Expect Chacha Nehru for his great quality. कुछ मैनर वगैरह स्कूल में तुम्हें सिखाया जाता था? हाँ। हाँ, अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो गुड मैनर के बारे में? हाँ, बोलो। Saying thanks and sorry are good man. We say thanks to who help us. We say sorry for our mistake. The word sorry and thanks are very important to build a healthy living. We use the word please when we want ask something. अरब, तुम अपने स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हो कि वहाँ क्या रूल्स और रेगुलेशन है? हाँ, ठीक है, बताओ। स्टूडेंट शुड अराइव एट स्कूल 15 मिनट बिफोर द असेंबली। इंग्लिश शैल बी स्पोकन एट ऑल टाइम इन द स्कूल। स्कूल डायरी शुड बी ब्रॉट टू स्कूल डेली। ऑल चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग देयर टिफिन एवरी डे। होमवर्क शुड बी डन नीडली एंड देयर वर्क ऑल बी डेटेड इन देयर नोटबुक एंड डायरी एज वेल। स्टूडेंट are to address their teacher and all the member of your school with respect and politeness. और तुम सक्षम, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है? क्या क्या पढ़ रहे हो? ABCD पढ़ते हो? अच्छा, चलो ठीक है, ओके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आरव, तुम बहुत अच्छा तैयारी किए हो और थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तुम्हें। तो दोस्तों, इस तरह देखा, मैंने संडे को अपना समय इन बच्चों के साथ व्यतीत कर रहा हूँ और मैंने इनकी तैयारी को देखा कि वो स्कूल में किस तरह अपना परफॉर्मेंस करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।